हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट से और क्या क्या हो सकता है और उसके प्रिवेंशन के लिए क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। जैसे हमने एक्टिविटी 14.3 किया था, इसमें हमने एक ही सिंगल इलेक्ट्रिक सेल लिया यहाँ पर और एक वायर में से जब हमने करंट पास किया तो हमने थोड़ी देर के बाद नोटिस किया कि वायर जो है रेड करके हीट हो गई है। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक सेल की बजाय हम एक बड़ी बैटरी यूज़ करते हैं और इस वायर की बजाय हम यूज़ करते हैं स्टील वूल। स्टील वूल वो होता है बच्चे जिससे हम अपने बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, उसमें से एक पतला सा तार हमने लिया और वो वाला तार हमने यहाँ पर बांध दिया। अब जब हम इसमें से करंट पास कराएंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से वो स्टील वूल का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो पिघल के टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। तो वायर्स कुछ स्पेशली ऐसे मटेरियल से बनाई जाती हैं कि वो जल्दी टूट जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं अगर उनमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास हो तो। These wires are used for making electric fuses. तो ऐसी wires को हम electric fuse बनाने के use में लेके आते हैं। ये जो wire आपको दिखाई दे रही है ये electric fuse है। घरों में आप देखते होंगे, कई बार सुना होगा कि fuse उड़ गया है, fuse चला गया है। तो वो तब होता है बच्चे कि जब electric current, जब load ज़्यादा हो जाता है, या तो हम एक ही switch के ऊपर overload कर देते हैं या फिर कहीं पे दो तार आपस में connect हो जाते हैं तो electric current जो है बढ़ जाता है और पूरे घर की फिटिंग ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब ना हो, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये बीच में से टूट जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट बंद हो जाता है, इसलिए ये बड़े काम की भी चीज़ है। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो सभी सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूजेस यूज़ होते हैं। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। तो एक मैक्सिमम लिमिट है कि सिर्फ इतनी लिमिट का इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो पास कर जाएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। इफ़ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर। तो इससे ज़्यादा लिमिट पर क्रॉस हो जाए और अगर ये ना टूटे तो आग लग सकती है। इफ़ ए प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अगर एक प्रॉपर फ्यूज हमने यूज़ किया है सर्किट के बीच में तो ये ओवरलोड होने पर या इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होने पर टूट जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। फ्यूज इज थस ए सेफ्टी डिवाइस। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आजकल हम घरों में, पहले इस तरीके के यूज़ होते थे घरों में, अभी भी यही वाले इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ होते हैं और बाकी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनमें आप देखेंगे इन्वर्टर के पीछे इस तरीके के आपको फ्यूजेज मिलेंगे। छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, इतने साइज के। अब रीज़न यहाँ पे लिखे हुए कि जो दो नंगी तारें हैं वो आपस में टच कर जाएं या फिर किसी एक स्विच के ऊपर ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, कई सारे डिवाइसेस एक ही सिंगल सॉकेट से कनेक्ट हो तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूज़ हमें यूज़ करने पड़ते हैं। आजकल जो हम यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं MCB। MCB आप जानते होंगे, MCB होता है बच्चे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB, जिसे हम, आप लोग शायद उसको MC कहते होंगे कि MC गिर गई है, वो होती है असल में MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। इनको यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ओवरलोड होने पे ये MCB नीचे गिर जाती है। ठीक है, नीचे गिरने से ये सर्किट को ब्रेक डाउन कर देती है और इसमें फ्यूज़ की तरह बार बार वायर चेंज करने की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। अभी तक हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, अभी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओयस्टर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब एक मैग्नेटिक कंपास के पास से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में जब हम कंपास लेके जाते हैं तो उसकी नीडल जो है रिफ्लेक्ट करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी और बड़ा ही ख़ास एक एक्सपेरिमेंट था जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैग्नेट्स की जो दुनिया थी उसमें बड़ा चेंज आ गया एकदम से, मैं कहूँगा।
आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जैसे इसने एक्टिविटी बताई है कि एक मैच बॉक्स के अंदर एक नीडल डाल देंगे, कंपास नीडल डाल देंगे और उसके ऊपर से वायर लपेट के और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो जो नीडल है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी, लेकिन जैसे ही हम सर्किट बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, वो फिर से वो तब नहीं हिलेगी, लेकिन जैसे ही फिर से हम करंट देंगे वो फिर से रिफ्लेक्ट करना या डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसके बेस पे जो बनाया गया इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि जब करंट पास होता है तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किसी वायर में जब करंट पास होता है तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाई गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने बिल्कुल फर्स्ट में पढ़ा था इस पेज इस चैप्टर के कि एक इलेक्ट्रिक जो क्रेन है, या फिर सेवन्थ क्लास में है शायद वो, कि जहाँ पे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कूड़े के डंप्स होते हैं, ढेर होते हैं, कूड़े के ढेर होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, कारों को, या फिल्मों में आपने टीवी में देखा होगा कि मैग्नेट की हेल्प से, क्रेन की हेल्प से उनको उठाया जाता है, तो क्रेन के आगे जो मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हैं, आपको चाहिए एक बैटरी, एक स्विच, कनेक्टिंग वायर, और एक आपको चाहिए एक आयरन की, एक आपको नेल चाहिए। ठीक है, इस आयरन नेल के ऊपर आपने इस वायर को बहुत कई सारे बार लपेट देना है और सेल के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप करंट बंद कर देंगे, स्विच ऑन कर ऑफ कर देंगे, करंट ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर से जैसे ही ऑन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और ये स्मॉल आयरन पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। द कॉयल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कॉयल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। जब करंट बंद कर देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म भी लूज हो जाएगा। सच कॉयल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ऐसी कॉयल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितने ज़्यादा बार हम इसको कॉइल को टर्न करेंगे या जितना ज़्यादा हम इसको इलेक्ट्रिक करंट पावरफुल देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उतनी ज़्यादा पावरफुल होती चली जाएंगी। ठीक है, इनका यूज़ डॉक्टर्स भी करते हैं। जैसे किसी की आँख में कोई स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल चला जाए, किसी की आँख में कोई लोहे का कोई छोटा टुकड़ा चला जाए, तो डॉक्टर्स उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, या फिर द एंड ऑफ सच ए क्रेन हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। जैसे कि क्रेन की मैंने आपसे बात करी कि हैवी लोड्स को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, और आँख में से कुछ आयरन फिलिंग निकालने के लिए भी डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। कुछ बहुत सारे खिलौनों के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहती है। अब जो इलेक्ट्रिक बेल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है, जो कि हमारे घर की डोर बेल होती है बच्चे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है। कैसे, उसके बारे में जानते हैं। आपको ये एक सर्किट दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करेगी इसके अंदर। शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। आयरन पीस के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लपेटी हुई है। ठीक है, ये है एक आयरन स्ट्रिप, यहाँ पे इसके एक तरफ बॉल बनी हुई है, और दिस इज़ द गोंग ऑफ द बेल। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो आवाज़ आएगी। अब आएगी कैसे, आपको एक पतला सा तार ये दिखाई दे रहा है और एक वायर जो है यहाँ से बैटरी से होके और यहाँ पे अटैच है। ठीक है, दिस इज़ द स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। इस आयरन स्ट्रिप के पास में ये स्क्रू है। जब ये इससे कनेक्ट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनके ये इस स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बॉल अट्रैक्ट होके इस गोंग पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से कनेक्शन कट जाता है। एक बार स्ट्राइक किया, फिर से ये पीछे गई, इसके साथ कनेक्शन हुआ, इस आयरन स्ट्रिप के साथ इसका कनेक्शन हुआ, फिर से कनेक्शन होते ही फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इसने फिर इसको अट्रैक्ट किया, ये फिर से बजा। तो कुछ बिल्कुल मिली सेकेंड्स में ये कई बार हो जाता है, इसलिए हमें ये कंटिन्यू बजती हुई सुनाई देती है। ठीक है, जैसे ही हम बटन को छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हम छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, या करंट को हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो फिर ये बजना बंद हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट अब यहाँ पर नहीं बन रहा है। आओ पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। द कॉयल्स एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज कैप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखो, ये आयरन स्ट्रिप जिसके ऊपर एक हैमर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के नज़दीक रखी गई है। देर इज़ ए कॉन्टैक्ट स्क्रू,
ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है। When the iron strip is in contact with the screw, जब ये आपस में contact screw और ये जो iron strip है ये contact में होते हैं तो circuit complete हो जाता है। Well, the current flow through the coil which becomes an electromagnet, circuit complete हो जाएगा, current इस coil में से बहेगा और ये electromagnet की तरह behave करेगी। Then pulls the iron strip, तो इस iron strip को अपनी तरफ attract करेगी, ये यहाँ पर gong पे strike करेगी तो sound आएगी। However, when the electromagnet pull the iron strip, it also break the circuit. लेकिन जैसे ही आगे गई यहाँ से सर्किट जो है टूट जाता है, ठीक है। अब ये एक बार लग के फिर से पीछे चली जाएगी, फिर से इस पर टच हो जाएगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर बजने जाएगी। The coil is no longer an electromagnet. तो जैसे ही वो आगे आई थी यहाँ से सर्किट टूटा तो ये electromagnet नहीं है, ये फिर से पीछे चली जाएगी। The iron strip come back to its original position and touches the contact screw again. This complete the circuit. The current flow in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strike the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. तो जब जब सर्किट कंप्लीट होएगा ये गोंग पे जाके हैमर स्ट्राइक करेगा और साउंड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बच्चे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।